गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर, जो आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन, जिसको डेरिवेटिव बोलते हैं और हिंदी में औकलज या औकलन बोलते हैं, हम उसका थ्योरी बता चुके थे। और कल का जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कुछ लोगों का नाम था कि सर क्वेश्चन बता दीजिए, हम उसमें के क्वेश्चन को बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में उसको बनाने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ और हमारे पास पॉइंट है, कंसेप्ट है, जो आप लोग क्लियर कर लीजिए और आगे हम लोग उसका हल करेंगे। ओके, तो चलिए एक और हम कंसेप्ट आपको देना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बनाने का हर एक रूल एक ही, आंसर ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने का प्रोसेस आपको समझना है, ठीक है। कंसेप्ट एक और देना चाह रहे हैं, आप लोग को ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए फर्क क्या है दोनों में, समझिएगा। अगर हम बोलेंगे y इक्वल साइन इनटू साइन x, और एक वो आपका क्वेश्चन रहेगा, एग्जांपल दे रहे हैं, सुनिएगा आप लोग, और यही आपका एग्जांपल और दे रहे हैं y इक्वल साइन एक्स इंटू, तो ऐसे करिएगा और एक और हम आप लोग को दे रहे हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सुनिएगा, लड़के लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ध्यान देना है बनाने का एक ही तरीका है। सुनिएगा, आपको बताया है कि अगर दोनों का एंगल्स अलग अलग दिया रहेगा, अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एंगल अलग अलग दिया रहेगा, एंगल अलग अलग दिया रहेगा, तब हम लोग समझेंगे को प्रोडक्ट मतलब गुणा फार्मूला यूज करेंगे। कौन फार्मूला यूज करेंगे? गुणा फार्मूला। एक बार फिर से याद रखिएगा कि अगर दो हमारे पास त्रिकोणमितीय फंक्शन है, या दो को अगर हम लोग का फलन है, अगर दो को फलन दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, तो हम समझेंगे कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, गुणा फार्मूला का। तो अब बताइए बाबू, क्या ये जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है, ये दोनों क्वेश्चन में एंगल अलग अलग है, साइन का एंगल एक्स है, कॉस का एंगल अलग है। यहाँ बताइएगा कि साइन का एंगल कौन होगा? कॉस एक्स होगा, खुद कॉस एक्स काम कर रहे हैं। तो क्या ए आप लोग का गुणा पर बैठेगा? नहीं बैठेगा, ए आप लोग का गुणा फार्मूला नहीं बैठेगा, ए आपका गुणा फार्मूला बैठेगा। तो याद रखिएगा कि गुणा फार्मूला तब बैठता है, नोट में आपको ध्यान देना होगा कि गुणा फार्मूला हिंदी में ही लिख रहे हैं, गुणा फार्मूला, गुणा सूत्र का प्रयोग तब करते हैं जब अलग अलग कोण दिया हो। अन्य गुणा फार्मूला का यूज तभी करेंगे जब उसका कोण क्या दिया हो, अलग अलग दिया हो, ठीक है। तो देखिएगा, इसको जब हल करेंगे तो डी सी डब्ल्यू आर टी ओ का एक्स है, तो डी वाई क्या बन जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। डी वाई क्या बन जाएगा? डी एक्स, या लिखेंगे साइन, और एक क्या लिखेंगे? कॉस एक्स। तो पहले किसका लीजिएगा? साइन का। तो साइन का डॉट का काम नीचे करे, कॉस एक्स हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा साइन इंटू कॉस एक्स। क्लियर है? इंटू फिर किसका लीजिएगा? कॉस का किसके? एक्स में। तो कॉस एक्स हो जाएगा, और लास्ट में क्या लिखिएगा? एक्स का एक्स में बन जाएगा। कंफर्म है? साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस एक्स, जो एंगल रहेगा वही लिखा जाता है। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का होगा साइन एक्स होगा, और एक्स का वन हो जाएगा। सजा दीजिए, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इस तरह से ये आप लोग का हल हो गया। ओके, अब आगे इसको हल करिएगा। तो इसको हल करने से पहले ध्यान देना होगा, इसको हल करने से पहले हम लोग इसको यू मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? भी मानेंगे।
अब बात है कि सर इसको यू क्यों नहीं माने हैं, इसको यू ही इसलिए नहीं माने हैं क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग दिया हुआ नहीं। जब दो त्रिकोणमितीय फलन का, सुनिएगा, जब दो त्रिकोणमितीय फंक्शन का अगर एंगल अलग अलग दिया हो तो हम समझेंगे गुणा फार्मूला। या एक और नियम है कि जब दो गो फंक्शन अलग अलग दिया हो, जब दो गो फंक्शन मतलब फलन अलग अलग दिया हो तब हम लोग समझेंगे कि गुणा फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ये हम लोग का दोनों त्रिकोणमितीय है, ये हम लोग का दोनों त्रिकोणमितीय है और दोनों त्रिकोणमितीय का अलग अलग थीटा दिया हुआ है, नहीं ना दिया है तो आप लोग जैसे हल करते हो वैसे करिएगा। इसका क्या है कि दोनों का थीटा अलग अलग है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको क्या करेंगे गुणा फार्मूला। तो क्या आ जाएगा साइन एक्स इन टू क्या है बाबू कॉस एक्स, डी सी डब्लू आर टी और क्या है एक्स, डी वा वही का बन जाएगा डी एक्स, डी एक बार उतारे हम साइन एक्स इन टू का है। आप लोग गुणा फार्मूला पढ़े होंगे ना, डिफ्रेंशिएशन का आप लोग गुणा फार्मूला पढ़े हैं क्या बाबू, यू इन टू वी का पढ़े हैं लोग, क्या पढ़े हैं, यू बाहर निकलता है अब वी का डिफ्रेंशिएशन लेते हैं, फिर वी बाहर निकलता है यू का डिफ्रेंशिएशन लेते हैं ना, तो उसी प्रकार U का काम साइन एक्स, साइन एक्स का निकल जाएगा बाहर हो जाएगा और डी वाई का बन जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस होता है ना, फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स का निकलेगा बाहर और डी वाई का हो जाएगा साइन एक्स। अब सुनिएगा ये साइन ऐसे ही रहेगा बाहर वाला, तो इसी लिखते हैं आप लोग पढ़े होंगे कॉस, तो देखिएगा दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस क्या बन जाएगा साइन एक्स, क्लियर है। अगर दोनों का एंगल सेम नहीं होता तब उसको तोड़ते फिर प्लस यहाँ क्या बन जाएगा कॉस एक्स और साइन का क्या बन जाएगा बाबू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, हल करिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा एक्स, सजा दीजिए तो प्लस वाले को आगे लिख रहे हैं तो कोस ए स्क्वायर एक्स माइनस साइन ए स्क्वायर एक्स, अरे फार्मूला है किसके बराबर कॉस टू एक्स के बराबर। तो इस तरह से हम लोग का डी वाई डी एक्स का हो गया, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से आप लोग को क्या करना है, हल करना है, यही आप लोग का मेन पॉइंट था, यही आप लोग का मेन पॉइंट था, ओके, यही आप लोग का मेन पॉइंट है, ठीक है बाबू। तो याद रखिएगा कि गुणा फार्मूला का प्रयोग तब करेंगे, याद रखिए भागा वाला तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, गुणा वाला का यूज तब करेंगे जब दो गो फंक्शन अलग अलग रहेगा तब, या दोनों त्रिकोणमिति दिया हो तो दोनों का एंगल अलग अलग होना चाहिए। बाकी तो आप लोग कंसेप्ट जानिए रहे हैं लोग, और ये ध्यान रखिएगा आप लोग पढ़े होंगे डी बाई डी एक्स यहाँ क्या है कॉस एक्स, ऐसा आता था ना बाबू, तो क्या हम इसको माइनस साइन एक्स लिखते थे कि नहीं, तो आप बताइए क्या हम लोग का ए आया है कि नहीं, ए वाला तरफ आया है ना, देखिए ठीक है ना बाबू। तो इसी तरह हम लोग का क्वेश्चन को क्या करना है बनाना, इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन को क्या करना है बनाना है, एक और एग्जांपल हम देना चाह रहे हैं आप लोग को, सुनिएगा बाबू एक और एग्जांपल हमारे पास है, क्या एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल है रूट एक्स इंटू साइन एक्स, रूट एक्स इंटू साइन एक्स। तो सबसे पहले सोल्व करने से सबसे पहले इसको लेट मानेंगे वाई इक्वल रूट एक्स इन टू क्या है साइन एक्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं एक गुणा फार्मूला बैठेगा ना बाबू, गुणा फार्मूला क्यों बैठेगा, तो गुणा फार्मूला इसलिए बैठेगा दोनों का एंगल अलग अलग, दोनों फंक्शन अलग अलग है, ये अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गया। तो याद रखिएगा कि गुणा फार्मूला का प्रयोग तभी करते हैं जब दोनों फंक्शन या तो अलग अलग हो या अगर एक ही प्रकार का फंक्शन दिया हो तो दोनों का एंगल अलग रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको U मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे V मान लेंगे, ऊपर ही मान ले रहे हैं, इसको U मानेंगे इसको क्या मानेंगे V मानेंगे, इसको U मानेंगे इसको क्या मानेंगे बाबू V मानेंगे, ओके। चलिए अब ध्यान देना है,
तो अब डी सी डब्ल्यू आर टी और का एक्स है, डी वाई बाई क्या बन जाएगा डी एक्स, डी वाई क्या बन जाएगा डी एक्स रूट एक्स इन टू साइन एक्स। तो गुणा फार्मूला में यू का निकलेगा बाहर, रूट एक्स का निकल जाएगा बाहर, और यहाँ क्या लेंगे साइन एक्स हो जाएगा, आप प्लस साइन एक्स का निकल जाएगा बाहर, और डी वाई डी एक्स क्या बन जाएगा रूट एक्स। देखिएगा रूट एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन का कॉस एक्स हो जाएगा, खुद फार्मूला है, देखिएगा ये हम लोग खुद फार्मूला बन गया, बन गया ना बाबू। अब देखिएगा आगे साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, और ये भी हम लोग का फार्मूला है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई क्या होता है टू रूट एक्स होता है। अब सजा दिया जाए बाबू, रूट एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई इसके नीचे कुछ नहीं थे क्या है? एक है बाबू, टू रूट एक्स हो जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा तो टू एक्स ऊपर हो जाएगा बाबू, आप प्लस एक कटेगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स। इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना बाबू। इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन बनकर क्या हो गया तैयार हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों को देना चाह रहे हैं, एक और है कि एक्स ए स्क्वायर इन टू टेन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स ए स्क्वायर टेन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसको यू मानेंगे, इसको क्या मानेंगे भी मानेंगे, सोल्व किया जाएगा। सुनिएगा जब सोल्व करेंगे तो लेट मानेंगे वाई इक्वल एक्स ए स्क्वायर इन टू क्या बन जाएगा, टेन टू एक्स डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी वाई क्या बन जाएगा डी एक्स हो जाएगा, डी वाई डी एक्स एक्स ए स्क्वायर टेन क्या बन जाएगा टू एक्स। चलिए ध्यान दीजिएगा गुणा फार्मूला पर, डी वाई क्या बन जाएगा हम लोग का डी एक्स, एक्स ए स्क्वायर क्या निकलेगा बाहर, और डी वाई डी एक्स यहाँ क्या बन जाएगा टेन टू एक्स बनेगा ना बाबू, आप प्लस टेन टू एक्स का निकलेगा बाहर, और डी बाई डी इंटू क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इतना दिखाई दे रहा है बाबू, देख लीजिए अच्छा से, चलिए दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के जवाब आगे कर रहे हैं, सुनिएगा अच्छा डी वाई क्या बन जाएगा हम लोग का डी एक्स, एक्स ए स्क्वायर, लेकिन अब बताइए बाबू आप ही बताइएगा कि क्या इसका डिफ्रेंशिएशन होता है क्या, नहीं ना, जो यहाँ है वही यहाँ रहना चाहिए, गल नहीं ना, तो इसको तोड़ेंगे ना, तोड़ने तो आप लोग जानते हैं टेन है ना, तो टेन का टू एक्स हो जाएगा और ऊपर बन जाएगा टेन टू एक्स। जो फार्मूला है वह फार्मूला बैठेंगे, नहीं होगा तो उसको तोड़ेंगे, फिर किसका टू एक्स का लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टू एक्स हो जाएगा प्लस, ध्यान दीजिएगा ये बन जाएगा टेन टू एक्स, टेन टू एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा टू एक्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए, डी वाई बाई क्या बन जाएगा डी एक्स, एक्स ए स्क्वायर टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक ए स्क्वायर टू एक्स इन टू ए टू, ए टू बन जाएगा एक्स, अब प्लस कितना आ जाएगा टेन टू एक्स इन टू टू एक्स हो जाएगा। ओके देख लीजिए अच्छा से, तो याद रखिएगा कि जिसका डायरेक्ट फार्मूला होगा फार्मूला लिख देंगे, जिसका फार्मूला नहीं आएगा उसको हम तोड़ेंगे, जैसे तोड़े हैं बाबू और आप लोग पीछे जानते होंगे तोड़ने का तरीका। आगे बात किया जाए डी वाई बाई क्या बन जाएगा डी एक्स, सजा दिया जाए या कॉमन भी ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो कॉमन जब ले लेंगे टू एक्स का जब कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का बचेगा एक्स सेक स्क्वायर टू एक्स। देख लीजिएगा दो निकल जाएगा इसमें, कहीं एक्स निकलेगा एक्स बचेगा और यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा टेन डी एक्स,
इस तरह से ए आप लोग का आंसर हुआ। तो आई होप समझ रहे होंगे कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। तो इस क्वेश्चन में तब आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख लीजिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, देख लीजिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बना लीजिएगा। देख लीजिए गुणा फार्मूला का यूज कैसे करेंगे। देख लीजिए गुणा फार्मूला का हम लोग यूज करने ऐसे ही सीखे थे। और कुछ कंसेप्ट आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसी में। देखिए आप कुछ और क्वेश्चन हैं जो इस पर नंबर डालकर आपको बता दे रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन में वन डालकर फाइव तक दिए थे, तो सिक्स क्वेश्चन में नंबर वन डाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा साइन रूट साइन रूट एक्स। दूसरा क्वेश्चन है कॉस रूट साइन रूट एक्स। तीसरा क्वेश्चन है रूट साइन रूट एक्स। और एक और क्वेश्चन है इसका कॉस रूट साइन रूट एक्स। और फाइव क्वेश्चन है रूट कॉस वन प्लस टू एक्स। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कॉस रूट एक्स प्लस थ्री। अगला क्वेश्चन थ्री एक्स ए स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फाइव के पावर नाइन। सभी का हम लोग को डिफ्रेंशिएशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में बाबू, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। ठीक है, तो चलिएगा हम सोल्व करने जा रहे हैं। अब दो क्वेश्चन को हम आप लोग को इसमें सोल्व कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल कर रहे हैं, तो फर्स्ट में लेट मान लीजिएगा वाई इक्वल क्या हो जाएगा साइन रूट एक्स हो गया। तो डी सी डब्ल्यू आर टी एल का होगा x। देखिए डी वाई क्या बन जाएगा बाबू, डी एक्स हो जाएगा। डी वाई क्या बन जाएगा, डी एक्स। अब ध्यान दीजिए बाबू, क्या यहाँ पर एक यहाँ पर क्या गुणा फार्मूला बैठेगा, नहीं बैठेगा। यानी कि त्रिकोणमिति दिया लेकिन सबका एंगल अलग अलग नहीं है, इसीलिए कोई गुणा पर नहीं बैठेगा, जो बैठेगा वही बैठेगा। अब सर एक गुणा पर बैठेगा तो भी नहीं बैठेगा कि कॉस का खुद एंगल वही काम कर रहा है ना, इसीलिए। तो सुनिएगा, तो क्या आ जाएगा साइन रूट एक्स। तो देखिए आंसर जा रहा है पहले किसका, ये साइन का, तो साइन का जो लीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में, रूट साइन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर जाएगा साइन रूट एक्स इनटू फिर किसका लीजिएगा रूट का ना, तो रूट का जब लीजिएगा तो रूट का लीजिएगा क्या बन जाएगा साइन रूट एक्स इनटू रूट साइन रूट एक्स। फिर किसका लीजिएगा साइन का, तो साइन का लीजिएगा तो किसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन रूट एक्स हो जाएगा। आई इंटू फिर किसका लीजिए रूट एक्स का, तो रूट एक्स का लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में,
बन गया ना ये। चलिए अब ध्यान दे, इसका जब डिफ्रेंशिएशन तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, अब बाकी जो है वो लिख दीजिए साइन रूट एक्स इंटू, यहाँ बोलिएगा ये बन जाएगा वन बाई टू रूट साइन रूट एक्स हो जाएगा इंटू, ये बोलिएगा कॉस रूट एक्स हो जाएगा इंटू, क्या लिख दे रहे इंटू वन बाई टू रूट का बन जाएगा एक्स बन जाएगा। ठीक है, ऊपर का ऊपर सजा दिया जाए नीचे का नीचे, तो क्या बन जाएगा डीवा बाई डी एक्स इक्वल ऊपर वाला ऊपर का सजा दे, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, हम इसी को ऊपर लिख ले रहे हैं, तो कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट साइन रूट एक्स बटा में दूनी चार रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। तो इस तरह से हम लोग का आंसर हुआ, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं लोग इस क्वेश्चन में, अब आप लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देख लीजिए अच्छा से, इस क्वेश्चन में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। तो बस कंसेप्ट है, याद रखिएगा कि जो नियम आपको यूज होगा उस नियम का प्रयोग करिएगा, जो नियम आपको यूज होगा उस नियम का यूज करिएगा, ठीक है ना बाबू। तो ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है, समझिए ऐसे हल करना। एक और इसमें के क्वेश्चन को हम आप लोग को हल कर दे रहे हैं, एक जो लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का ए वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं साइन ए आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है ना बाबू। तो सबसे पहले इसको लेट मानेंगे वाई इक्वल रूट साइन साइन रूट एक्स, तो डी सी डब्ल्यू आर टी और का होगा एक्स बन जाएगा, डी वाई बाई का बन जाएगा डी एक्स, डी बाई डी कोस साइन साइन रूट एक्स, ऐसा नहीं, एक मिनट, ऐसा हम लोग का है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है साइन रूट एक्स। तो पहले हम लोग किसका लेंगे, बड़ा रूट का लेंगे, तो बड़ा रूट का लेंगे तो क्या बन जाएगा उसके डॉट में साइन रूट एक्स हो जाएगा, होगा, और यहाँ लिखेंगे रूट साइन रूट साइन रूट एक्स हो जाएगा, क्लियर है। इनटू फिर किसका साइन का नाम, तो साइन का लीजिएगा किसका कौन बन जाएगा नीचे रूट साइन रूट एक्स हो जाएगा, और ऊपर बचेगा साइन रूट एक्स हो जाएगा इनटू, फिर किसका लीजिएगा रूट का नाम, तो रूट का लीजिएगा तो क्या बचेगा नीचे साइन रूट एक्स हो जाएगा साइन रूट एक्स, और आप ऊपर बन जाएगा रूट साइन रूट एक्स हो जाएगा। एक और ध्यान देना होगा, साइन का लीजिएगा तो नीचे क्या बन जाएगा रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा साइन रूट एक्स इंटू डी लास्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा रूट एक्स, तो देख लीजिए कैसे बन रहा है। आप सुनिए, सबका बैठा दिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन रूट है ना, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा साइन ठीक है, इसके बाद इसका लेंगे तो क्या कॉस साइन रूट एक्स इंटू ए डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो टू रूट
साइन रूट एक्स इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या है कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई टू एक्स। ओके डी वाई क्या बन जाएगा डी एक्स ऊपर वाले के ऊपर एक बार फिर से रूट का है ए साइन का है ए रूट का है फिर साइन का है फिर रूट का है। अब बैठा जी ऊपर का ऊपर बैठाइए तो ऊपर वाला ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा सजा दे रहे हम तो पहले लिखेंगे कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट साइन रूट एक्स बाटा में नीचे देखिए दो दूनी चार दूनी आठ हो जाएगा दो दूनी चार दूनी आठ सजा दे रहे हैं रूट एक्स इंटू रूट साइन रूट एक्स इंटू इंटू रूट साइन ठीक है बाबू। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन का हो गया बन गया इस तरह से आप लोग का एक क्वेश्चन का हो गया बन गया ठीक है ना बाबू इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन क्या हो गया बनकर तैयार हो गया ठीक है ना। तो जितना आप लोग का कंसेप्ट था वो आप लोग का कंसेप्ट क्या हो गया खत्म हो गया ठीक है बाबू। ठीक है बना लीजिएगा ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।